दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के हाई वोल्टेज मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को हराने के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम में कराई दुनिया के नंबर वन गेंदबाज की वापसी। जबकि इस गेंदबाज से इंग्लैंड के बल्लेबाज थर थर कांपने लगे और ये गेंदबाज अकेले दम पर भारतीय टीम को वर्ल्ड कप का खिताब जिताने का हौसला रखता है और इस गेंदबाज ने एक ही मैच में चटका दिए लगातार 10 विकेट। आखिरकार गाइस आप भी देखना चाहते हैं इस भयंकर गेंदबाजी का पूरा वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है इस समय वर्ल्ड कप 2023 के लीग मुकाबले खेले जा रहे हैं, मगर दोस्तों दूसरी तरफ सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में यानी कि भारतीय टीम से बाहर चल रहे भुवनेश्वर कुमार ने अपनी गेंदबाजी से सभी बल्लेबाजों के परखच्चे से उड़ा कर रखे। जबकि उत्तर प्रदेश की ओर से खेलते हुए भुवनेश्वर कुमार ने कर्नाटक के खिलाफ यानी 9 गेंदों में 5 विकेट चटका दिए और इस तरीके से भुवनेश्वर कुमार ने 3.3 ओवर में 16 रन खर्च करने के बाद 5 विकेट चटकाए और वहीं पिछले मुकाबले में त्रिपुरा के खिलाफ खेलते हुए 2 विकेट चटकाए। जबकि भारतीय टीम के लिए आखिरी मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 3 विकेट चटकाए और इस तरीके से भुवनेश्वर कुमार ने यानी कि 10 विकेट चटकाने के बाद इतिहास रच दिया और BCCI को भी करारा जवाब दे दिया। मैच गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना क्या भुवनेश्वर कुमार को भारतीय टीम में दोबारा से शामिल करना चाहिए या फिर नहीं।